क्या चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। आज का हमारी का वीडियो का टॉपिक है रजिस्टर कलर कोडिंग पे, ठीक है। तो हमें काफ़ी सारे दोस्तों को, मुझे भी इस तरह के मसले आते थे कि कलर कोडिंग की बहुत टेंशन होती थी, कलर कोड याद नहीं रहते थे, उस वजह से रजिस्टर की वैल्यू मालूम करने में टेंशन होती थी, ठीक है। तो मैंने ये कुछ कलर ये मैंने याद किए थे ज़बानी, फिर मैंने इनको लिख के रखा हुआ है। तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ता था कि इनकी इधर वैल्यू एक जगह पे लिखूँ मैं टाइप, उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर सारी मतलब का ज़रबे तकसीमें करके तो मुझे इसकी वैल्यू मिलूँ, होती तो बड़ी टेंशन। फिर मैंने एप्लीकेशन एक ढूँढी, कोशिश की और मुझे एक एप्लीकेशन मिली, उससे मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। कोई भी रिस्क की वैल्यू मालूम करनी हो तो मैं उस पर एप्लीकेशन पर जाके मालूम कर लेता हूँ। तो मैं आपको वो एप्लीकेशन की तरफ लेके जाता हूँ, आपको समझाता हूँ उसको यूज़ करने का तरीका, सारा तरीका, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। इसमें दोस्तों जो आप ऊपर देख सकते हैं बैंड है, 4 बैंड 5 बैंड 6 बैंड, ठीक है। आगे सर्च रजिस्टर है, रजिस्टर सर्च रजिस्टर में आप इधर वैल्यू लिखेंगे तो आपको इसका कलर मालूम हो जाएगा। आगे इसका टेबल है सारा, ठीक है, जिसको चेक करने का तरीकाकार या उसका सारा टेबल देख सकते हैं और इसकी किस तरह आपने वैल्यू निकाली उसका तरीकाकार समझाया गया है, ठीक है। और जो SMD रजिस्टर है उसको आप इधर से चेक कर सकते हो, इधर उसका कोड देना है आपने, ठीक है, जो भी कोड है तो आपको उसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। अभी मेरे पास SMD कोई नहीं पड़ी, SMD जो है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा सकता उसका। तो अब हम इधर एक रजिस्टर लेते हैं, यह मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ अपने पास, जो मैंने सिस्टम बना के रखा सारा, ये मेरे पास ये बॉक्स है, मैंने दराज से परचेज़ किया था, ये किया तो किसी और सूरत में था और मिला मुझे किसी और सूरत में, ठीक है। तो ये उस क्वालिटी में नहीं मिला जिस क्वालिटी में मैंने परचेज़ किया था, जिस काम के लिए किया, लेकिन फिर भी मेरे काम आ गया रजिस्टर के लिए। और मैंने सारी वैल्यू ऊपर, हर रजिस्टर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो उधर से मैं वैसे मुझे जो भी ज़रूरत हो तो मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम अपने चलते हैं अपनी ऐप की तरफ, उधर से जाकर चेक करते हैं इसको। तो दोस्तों अभी मैं रजिस्टर लेने लगा हूँ 10K की, ठीक है, ये चेक करें आप, ये मेरे पास है 10K की। आप इसका कलर देख लें, तो इसका मैं ये भी बताऊँगा इसको किस तरीके से किधर से चेक करना है आपने। अब हम इसका कलर मालूम करते हैं ये क्या है, ठीक है। पहला कलर इसका ब्राउन और दूसरा कलर इसका ब्लैक और तीसरा कलर इसका शायद ऑरेंज है, ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये 10K की रजिस्टर, 10 किलो ओम, 1 किलो ओम में 1000 ओम होता है, ठीक है। 1000 का मतलब 1K। अब हम मालूम करते हैं कोई और रजिस्टर, ठीक है। अब मैं चेक करने लगा हूँ 1.2K, ठीक है, मैं 1.2K आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें दोस्तों, ये 1.2K। दोस्तों ये जूम करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये चेक करें, ठीक है। तो अब हम इसकी कलर कोडिंग चेक करते हैं, दोस्तों मेरे पास ये रजिस्टर पुरानी पड़ी है, ठीक है, इनमें कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। तो शायद पहला ब्राउन है इसका, फिर आगे भी रेड, सॉरी आगे फिर रेड, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये चेक करें 1.2 किलो, हम आगे गोल्डन टॉलरस है, ठीक है। इस तरह हम इसमें कोई भी कलर कोडिंग लूम कर सकते हैं किसी की भी, और ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको कोई भी ज़र्ब तकसीम वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना आपको कलर कोडिंग याद करनी पड़ती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें और अपने रजिस्टर कोडिंग का जो है ना वैल्यू मालूम करने का आसान हल है आपके पास। ये आपको जब भी मैं फैसलाबाद पैरिस मार्केट से रजिस्टर परचेज़ करने जाता था, तो मैं उनको कहता था मुझे सारी इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिख के दें, मुझे वैसे नहीं याद रहती या मुझे नहीं चेक करनी आती, तो वो मुझे तरीकाकार बड़ा समझाते थे बट मुझे समझ नहीं आता था। तो आप इसको आप करें फारिग, ठीक है, ये कलर कोडिंग वगैरह याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन में जाएं और उसके बाद आप हमारे पास मीटर भी है, मीटर से भी हमें इसकी रजिस्टर की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो मसला आता है, मैं उससे भी आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। उससे भी अक्सर जब हमें कन्फर्म पता ना उसकी वैल्यू का मसला बनता है, परेशानी होती है ना, तो इससे ये होगा कि इससे आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं आएगी।
हर कलर की पूरी पूरी वैल्यू फिक्स। उसमें क्या होता है मल्टीप्लायर और मल्टीमीटर में कि कोई कभी वैल्यू कुछ ओम कम है कुछ ओम ज़्यादा है, तो फिर हमें बहुत सारी टेंशन है, मतलब यार ये क्या है, ये कैसी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, इस तरह की परेशानी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू आती है, इसमें हमें किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखिए आप, हमने मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पे कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रजिस्टर है वो 10 किलो ओम की है, तो हम इसकी वैल्यू चेक करते क्या आती है। सॉरी दोस्तों, मुझे कॉल आ गई थी तो इसलिए मुझे पड़ी। तो अब हमने इसकी अपने वाइल लगा ली है, ये देखिए। ठीक है, इससे कोशिश करेगा आप जो है ना एक वायर को हाथ लगाएं दूसरी को ना लगाएं, उससे क्या होता है कि आपकी जो हाथ की है ना वैल्यू, उसकी वजह से वैल्यू भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ये चेक करें, अब इधर आप वैल्यू चेक करें 9.93 है। ठीक है, ये 10K है। तो अब हम सोच रहे हैं यार ये 3 है, ये तो रजिस्टर हमारे पास 10K की है, वैल्यू 10K नहीं आ रही, इस तरह के मसले मसाइल होते थे और इसलिए ना परेशानी होती थी। अब मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में इस मीटर का रिव्यू दिया था, तो हम इससे भी चेक कर लेते हैं कि इससे क्या वैल्यू आती है रजिस्टर की। ठीक है, आया अगर ये 10K की रजिस्टर की वैल्यू पूरी देता है या नहीं। दोस्तों मैंने तो जब से आपकी है तो उसी से फ़ायदा ले रहा हूँ, ये सारे काम मुझे बेफजूल लगने लगे उसके बाद। ये आप चेक करते हैं अब कि ये क्या वैल्यू देता है मीटर्स की। ये देखें दोस्तों, इसने भी 9913 ओम दी है, मतलब कि इसने भी 10,000 पूरी नहीं दी। ठीक है, 10,000 हो तो 10K बनेगा ना, 10,000 ओम हो तो 10K बनेगा, तो इसने भी पूरी वैल्यू नहीं दी ये चक्कर में। इसलिए हमें इससे बहुत सारी टेंशनें बनती थी, परेशानी थी यार ये पूरी वैल्यू नहीं, क्योंकि इसने जिसने भी चेक करना मल्टीमीटर ने चेक करना या इसने खुद भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू यूज़ करनी है ना, इसलिए हमें परेशानी होती थी। तो ये ऐप बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, आप इसको डाउनलोड करें और इसी से अपना काम चलाएँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का हमारी वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।